दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि महिला और पुरुष का रिलेशन एक दूसरे के लिए ही बना होता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुरुष अपने लिए पुरुष साथी और महिला अपने लिए महिला साथी तलाश कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे संबंध को समलैंगिक कहा जाता है। दोस्तों आज के इतिहास में हम बात करेंगे दुनिया के यानी इतिहास के कुछ फेमस लोगों के बारे में जो समलैंगिक थे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल पर नए आए हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोग को आसानी से मिल सके। इलेक्शन रिग्रेट, कौन नहीं जानता कि सिकंदर महान कौन था, उनकी वीरता और साहस के किस्से आम हैं। महज 20 साल की उम्र में वो मैसोनिया के राजा बने। कहते हैं उन्हें अपने मृत्यु तक हर वो चीज़, हर वो जमीन को जीत लिया था जिसे वो चाहते थे। यही वजह है कि उन्हें विश्व विजेता भी कहा जाता है। हालांकि आप जानते होंगे कि सिकंदर बहुत ही बड़ा हासिक मिजाज था, महिला तो महिला पुरुष प्रेमी भी था। सिकंदर की वीरता के किस्से में से एक बहुत ही अहम किस्सा है जिसका नाम है हिफेसियन। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर की हिफेसियन से शारीरिक संबंध थे, वो बचपन से उससे प्यार करते थे। दोनों ने साथ ही साथ रस्तोगी गुरुकुल में पढ़ाई की थी। उन दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपना ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। एक बार तो वो जब पारस की रानी से मिलने गए तो वो पहचान नहीं पाई कि इन दोनों में से कौन सम्राट सिकंदर महान है, क्योंकि हिफेसियन की कदकाठी सिकंदर से ज़्यादा प्रभावशाली थी। उन्होंने गलती से हिफेसियन को ही सिकंदर महान कहकर संबोधित कर दिया। फिर जब सिकंदर हंसने लगा और बताया कि तो वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। उन्होंने सोचा कि इस गलती के बाद सिकंदर उसे छोड़ेगा नहीं, पर इस बात पर सिकंदर ने कहा कि डरो मत रानी, हम दोनों एक ही हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि एक बार युद्ध के दौरान अचानक जब हिफेसियन की मौत हो गई तो सिकंदर ने हथियार फेंक कर उसकी लाश को गले से लगा लिया और एक दिन से भी ज़्यादा समय तक हिफेसियन की लाश से लिपट कर रोते थे। अंत में हार मानकर उनके अफसरों को जबरन वहां से उन्हें हटाना पड़ा। अपने दोस्त के मित्र के बाद सिकंदर पूरी तरह से टूट गए थे। वो इस तरह रहने लगे थे कि जैसे मानो उनका सब कुछ लूट गया हो, उनमें जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। नतीजा यह निकला कि वो धीरे धीरे बीमार होते चले गए और 6 महीने के भीतर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिकंदर के बारे में अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। विलियम शेक्सपियर, दोस्तों विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता, वो दुनिया के महान लेखक थे। उन्होंने अपनी कविता और नाटकों से पूरे दुनिया को अपना मुरीद बनाया था। इंग्लैंड के रहने वाले ये ज़्यादातर लोगों के लिए विलियम शेक्सपियर कवि और नाटककार थे, लेकिन शेक्सपियर की लाइफ के बारे में अभी भी कुछ बहुत कुछ है, मतलब कि जो इन लोगों के लिए रहस्य है। शेक्सपियर 18 की उम्र में ही शादी कर ली थी। उनकी पत्नी का नाम था हेनी हेथवे था। उनकी उम्र 26 साल थी। हेनी और शेक्सपियर ने 3 बच्चों को जन्म दिया था और शेक्सपियर 1616 तक मृत होने तक विवाहित रहे, लेकिन ये हमेशा पत्नी के साथ शारीरिक रूप से नहीं थे। उनके जीवन में सबसे विवादित विचार ये था कि शेक्सपियर समलैंगिक थे या नहीं। ये विचार माना जाता है कि इतने बड़े लेखक का जीवन समान नहीं था, लेकिन कई लोगों का मानना यह था कि शेक्सपियर पुरुषों के साथ भी सोया करते थे। कई का मानना था कि शेक्सपियर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के साथ भी सेक्स का आनंद लिया करते थे। शेक्सपियर पूरी तरह से सीधे तौर नहीं, पूरी तरह से समलैंगिक भी नहीं थे, बल्कि रहस्य अभी भी बना हुआ है कि विलियम शेक्सपियर समलैंगिक थे या नहीं। रोबेल्टा कुवेर वर्ल्ड वार II की एक ब्रिटिश लड़ाकू पायलट थी और रेसिंग कार भी चलाती थी। यह सेक्स बदलने वाली पहले लोगों में से एक थी। इस फ्रांस महिला वर्ल्ड वार के दौरान पकड़े जाने पर कैदी युद्ध संयुक्त में 5 महीने बिताए थे, जहां उन्होंने खुद को जीवित रखने के लिए जीवित जानवरों को बिल्लियों को मारकर खाया था। 1951 में प्लास्टिक सर्जन सर हेरेंड गिलिस पहली बार रोबेल्टा को प्लास्टिक सर्जरी की। उन्होंने इसी के दौरान से ये सबूत मिले जो ये स्पष्ट करते हैं कि रोबेल्टा समलैंगिक महिला थी। किंग रिचर्ड शायद ही कभी अपने पत्नी के साथ समय बिताता। रिचर्ड के कोई भी बच्चे नहीं थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्रांस के राजा फिलिप के साथ एक निंदनीय संबंध में थे। ये दोनों हर दिन एक मेज पर पकवान खाते थे और साथ ही रात को दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे। फ्रांस के किंग उन्हें आत्मा की तरह प्यार करते थे, एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इंग्लैंड के किंग उनके बीच इतना प्यार देख कर चकित रह गए थे और इस बात से भी चकित थे कि इस प्यार का क्या मतलब हो सकता है।
रेनाल्डो दी विंजी एक व्यक्ति जो चित्रकार वैज्ञानिक और गणितज्ञ और इंजीनियर और भौतिक वैज्ञानिक था। एक आदमी जिसने मानव शरीर में ऐसे रहस्य खोजे जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ सकता। एक आदमी जो अपने समय से आगे था लेकिन लोगों ने कभी भी उसकी प्रतिभा को नहीं सराह दी। यह व्यक्ति चित्रकार वैज्ञानिक और इंजीनियर था। रेनाल्डो के बारे में कुछ और भी जो है कि शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि वो समलिंगी था। भले ही इसकी पक्के तौर पर कोई सबूत नहीं मिलते हैं और कोई नहीं कह सकता है, लेकिन इनके जीवन में कुछ घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं। एक बार इस वजह से वो जेल भी गए थे। लगभग 16 साल के एक स्थानीय लड़का रेनाल्डो की पेंटिंग के लिए मॉडलिंग का काम कर रहा था। रेनाल्डो के स्टूडियो में अचानक ही कुछ पुलिसकर्मी आ गए। रेनाल्डो एक लड़के को नग्न करते हुए पकड़ लिया। कोई नहीं जानता कि वहाँ पर वास्तव में क्या हो रहा था, लेकिन उस समय समलिंगिंग को लेकर बहुत सारे कानून सख्त थे और इसीलिए उन्होंने रेनाल्डो को जेल में बंद कर दिया। बहुत बुरा हो सकता था, उसे फांसी पर भेजा जा सकता था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे कुछ महीनों बाद ही रिहा कर दिया गया। जेल बिताए गए समय के बाद रेनाल्डो पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। वो एक पशु प्रेमी बन गए थे और जब वो घर पर आए तो जब भी उसे कोई जानवर या पंछी पिंजरे में मिलता था तो वो उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया करते थे। फेरोनिर्ग नाइटिगेल, आपने पहले फेरोनिर्ग नाइटिगेल के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आमतौर पर इतिहास के पुस्तकों उल्लेख करने के लिए उपेक्षा की जाती है कि वो एक समलिंगी थी। उनके लिए द विमन लैंप उप नाम से भी जाना जाता था। वो 1920 में पैदा हुई थी और एक नर्स थी। उन्होंने आंकड़ों में जमीनी काम भी किया था, लेकिन एक उज्ज्वल और निपुण व्यक्ति के रूप में उस सार्वजनिक प्रशंसा के बावजूद भी दुर्भाग्य से वो अपना जीवन नहीं जी सकती थी जैसा वो चाहती थी। उसने कहा था कि वो अपने चचेरी बहन से वो जीवन भर प्यार करती थी, लेकिन उनकी भावनाओं को कभी भी नहीं बतलाया गया। उनका मानना था कि बहन से संबंध समलिंगी संबंध था, ऐसा लोगों का मानना था। हार्मोडियस और एलेक्टोगेटिन, हार्मोडियस और एलेक्टोगेटिन एथिन के सामान्य लिंग वाले जोड़े थे जिन्हें हिपाक्स और हिपिसियास के शासन को गिराने के लिए हत्याचार के रूप में सम्मानित किया गया। हालांकि उनका इरादा ऐसा कभी नहीं था। हिपाक्स के हार्मोडियस पर कार विकसित किया, उसे प्रस्तावित किया और उसे ही स्वीकार कर लिया। इसलिए उन्हें हार्मोडियस की बहन का अपमान करके प्रविशोध किया। दो प्रेमियों ने हिपाक्स की हत्या कर दी, ये विश्वास करते हुए कि वो अरोगा में होने वाले महोत्सव के दौरान अपराध से बच सकते हैं। हालांकि उनको पकड़ लिया गया था और हार्मोडियस को तुरंत मार दिया गया था। ड्यूक्लिन और मेजिजिया, प्राचीन चीन के समलिंगी जोड़े में से सबसे प्रसिद्ध खातों में से एक। राजा के ड्यूक्लिन और दरबारी मेजिजिया के बीच संबंध की कहानी है। ड्यू शादीशुदा था और उसका एक बेटा था, लेकिन वो अपने पुरुष प्रेमी के कंपनी को प्राथमिकता देता था। मेजिजिया ने एक बार अपनी बीमार माँ से मिलने जाने की अनुमति के बिना ड्यू की गाड़ी उधार ले ली थी और किसी और के साथ मिलने वाले कठोर सजा प्राप्त करने के बजाय ड्यू द्वारा उसकी पुत्र बाद धारण प्राप्त के लिए प्रशंसक की थी। और जब वो टहलने के लिए बाहर गए थे तभी मेजिजिया ने ड्यू को आधा आड़ू खाने की पेशकश की और ड्यू को यह छूते हुए कहा कि मेरे लिए आपका प्यार कितना महान है, आप अपनी भूख को भूल जाते हैं और केवल सोचते हैं मुझे खाने के लिए अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। हालांकि आधा खाया आड़ू का प्यार बाद में समान सेक्स संबंधों के लिए उपशब्द बन गया। शेरी राइड नासा की पहली अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। हालांकि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो पहली बार समलैंगिक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। हालांकि नासा से सीनिमित होने के बाद वो मान्यता आधिकारिक हो गई। 2018 में उनकी मृत्यु के एक साल बाद बराक ओबामा ने जब अपनी उपलब्धियों को मडुपक्ष राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया तो जिन्हें उनके साथी ने स्वीकार किया था। रैरी कैमर शायद न्यूयॉर्क में मूल रूप से लिखे गए एक निबंध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने समुदाय को एकजुट होने और समलैंगिक लोगों के साथ व्यापक रूप से जुड़े होने के बाद एकजुट के लिए कहा। अपने निबंध की शुरुआत के साथ वो एड्स संकट और नागरिक अधिकारों के पैरोकार के रूप में एक आवाज बन गए। उन्होंने अनुसंधानों और बीमारी के रोकथाम के साथ साथ प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों ये है हमारा आज का वीडियो, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें।
चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर मिलते हैं एक बार नए वीडियो के साथ। ओके, जय हिंद दोस्तों।